कहानी की शुरुआत होती है बेयर्ड स्कूल से। बेयर्ड स्कूल एक बहुत बड़ा प्रिपरेटरी स्कूल है। यहाँ पढ़ना लाखों बच्चों का सपना है। ऐसा ही सपना लेकर इस स्कूल में पढ़ने आया है एक मासूम, जिम्मेदार और गरीब लड़का, चार्ली सिम्स। चार्ली सिम्स एक गरीब लड़का है जो पढ़ने में बहुत तेज है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। बेयर्ड स्कूल में सभी बच्चे अमीर घराने से आते हैं। चार्ली सिम्स बेयर्ड स्कूल में इसलिए पढ़ पा रहा है क्योंकि वो स्कॉलरशिप से यहाँ आया है। इसी स्कूल के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड हैं प्रोफेसर ट्रास्क। प्रोफेसर ट्रास्क कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं। बेयर्ड स्कूल की तरफ से प्रोफेसर ट्रास्क को एक रिटायरमेंट गिफ्ट मिलता है और ये गिफ्ट है एक जैगवार कार। स्कूल में पढ़ने वाला एक बिगड़ैल लड़का हैरी अपने दोस्तों के साथ प्रोफेसर ट्रास्क को जैगवार से निकलते देखता है और प्रोफेसर ट्रास्क का मजाक उड़ाता है। हैरी के दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है, वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। हैरी का दोस्त है जॉर्ज। जॉर्ज के पिता बेयर्ड स्कूल के ट्रस्टी भी हैं। हैरी और जॉर्ज चार्ली सिम्स को क्रिसमस की छुट्टियों में अपने साथ आने को कहते हैं, मगर चार्ली मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं जा सकूं। चार्ली सिम्स अपने पैसे बहुत जिम्मेदारी से खर्च करता है। छुट्टियों में कहीं दूर जाना चार्ली के लिए बहुत मुश्किल है, मगर चार्ली क्रिसमस में अपने घर जाना चाहता है। घर में उसकी माँ है जो एक कन्वीनियंट स्टोर चलाती है। अपनी माँ से मिलने का मन चार्ली को बहुत ही ज़्यादा है। चार्ली एक जॉब वैकेंसी देखता है। काम है वीकेंड पर घर की देखभाल करना, यानी हाउस सिटिंग। चार्ली के लिए अच्छा मौका है। अगर वो ये काम कर ले तो उसे केवल 3 दिनों में $300 मिल जाएगा और चार्ली अपनी माँ से मिलने जा सकेगा। चार्ली इंटरव्यू के लिए जॉब वैकेंसी वाले घर पर आता है। घर पर है एक औरत अपने बच्चों के साथ। औरत का नाम है कैरन। कैरन चार्ली को देखकर बहुत खुश होती है। कैरन चार्ली से कहती है कि वो इस वीकेंड अपने पति और बच्चों के साथ वेकेशन पे जाने वाली है, इसलिए कैरन के अंकल जो ब्लाइंड हैं उनकी देखभाल करने के लिए कैरन को एक हाउस सिटर चाहिए। कैरन चार्ली को अपने अंकल के रूम में भेज देती है। चार्ली मिलता है कैरन के ब्लाइंड अंकल लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लेट से। फ्रैंक स्लेट चार्ली को सख्त हिदायत देते हैं कि मुझे सर न बुलाओ। चार्ली फिर उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल कह के पुकारता है। फ्रैंक स्लेड एक शराबी है जो दिन भर में 40 ग्लास जैक डैनियल्स विस्की पी जाते हैं। पहली मुलाकात में फ्रैंक स्लेड बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही गुस्सैल नजर आते हैं। फ्रैंक स्लेड चार्ली को बहुत जलील करते हैं, यहाँ तक कि चार्ली की गरीबी पर भी बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। फ्रैंक स्लेड अपनी नतनी से भी गुस्से से पेश आते हैं। चार्ली हताश होकर कमरे से बाहर निकलता है और कैरन को कहता है कि शायद कर्नल को मैं पसंद नहीं आया। कैरन चार्ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये जॉब एक्सेप्ट कर लो, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों पे जाना चाहती हूँ। इस काम के लिए केवल तुम ही एक आए हो। चार्ली कैरन को हाँ बोल देता है। चार्ली को इतना पैसा तो मिल जाएगा कि वो क्रिसमस में अपनी माँ से मिल सके और फिर वापस लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, मगर किस्मत चार्ली के लिए थोड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर देती है। चार्ली अपने खर्चे निकालने के लिए बेयर्ड स्कूल की लाइब्रेरी में काम करता है। रात को अपनी ड्यूटी ऑफ करके चार्ली निकलने वाला होता है तभी जॉर्ज आ जाता है। चार्ली और जॉर्ज साथ में लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं, मगर रास्ते में दोनों देखते हैं हैरी को जो स्ट्रीट लैंप पर चढ़कर कुछ प्रैंक करने की तैयारी कर रहा है। हैरी उन्हें शांत रहने को कहता है, तभी एक टीचर वहाँ आ जाती है। जॉर्ज तुरंत उस टीचर को हैरी को देखने से रोक लेता है। हैरी तुरंत भाग जाता है इससे पहले कि टीचर की नज़र उस पर पड़े। अगले दिन मॉर्निंग में सभी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करने के लिए ग्राउंड पर तैयार हैं। प्रोफेसर ट्रास्क अपनी जैगवार से आते हैं और उसी स्ट्रीट लैंप के नीचे कार पार्क करते हैं। तभी हैरी अपना प्रैंक शुरू करता है। हैरी माइक से अनाउंस करता है कि प्रोफेसर ट्रास्क ने डायरेक्टर्स के तलवे चाटे थे जैगवार कार पाने के लिए। फिर स्ट्रीट लैंप पर लगा बलून फूल जाता है। बलून पर प्रोफेसर ट्रास्क की भद्दी तस्वीर लगी थी। प्रोफेसर ट्रास्क उस बलून को फोड़ते हैं और उस बलून में रखा फ्लूइड ट्रास्क पर गिर पड़ता है। सारे स्टूडेंट्स ट्रास्क का मजाक उड़ाने लगते हैं। ट्रास्क चुप नहीं बैठने वाले। ट्रास्क अपने ऑफिस में जॉर्ज और चार्ली सिम्स को बुलाते हैं। ट्रास्क उन्हें सख्त हिदायत देते हैं कि उन्हें मालूम है कि जॉर्ज और चार्ली ने उन स्टूडेंट्स को देखा था जिन्होंने स्ट्रीट लैंप पर बलून लगाया था। अगर जॉर्ज और चार्ली सिम्स ने उनके नाम नहीं बताए तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। जॉर्ज ट्रास्क की धमकी को बहुत लाइटली लेता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। ट्रास्क फिर चार्ली सिम्स को तोड़ते हैं।
ट्रास्क चार्ली को कहते हैं कि अगर चार्ली ने उनके नाम बता दिए तो ट्रास्क चार्ली का नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड कर देंगे। ये बहुत ही घटिया हरकत थी ट्रास्क की तरफ से। ट्रास्क अमीर बाप के बेटे को कुछ न कह सके, मगर गरीब चार्ली को वो झूठे वादे करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रास्क चार्ली को वीकेंड तक का समय देते हैं। चार्ली जानता है कि अगर उसने हैरी का नाम नहीं बताया तो उसे बेयर्ड स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अपने अच्छे भविष्य का सपना चूर चूर हो जाएगा। जॉर्ज चार्ली को कहता है कि ट्रास्क को किसी का नाम मत बताना। चार्ली अपने दुविधा में कैरेन के घर आता है। कैरेन अपने परिवार के साथ निकल जाती और चार्ली लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लेट की देखभाल करने रुक जाता है। मगर कर्नल फ्रैंक स्लेट के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान है। फ्रैंक स्लेट ने टैक्सी बुलाया हुआ है। फ्रैंक चार्ली को अपने साथ एयरपोर्ट ले आते हैं और चार्ली को बताते हैं कि मैंने हम दोनों का टिकट कटवाया है न्यूयॉर्क के लिए। चार्ली हैरान हो जाता है। चार्ली फ्रैंक से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं काम पर आऊँगा ही। फ्रैंक कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम आओगे ही। लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लेट बहुत अजीब इंसान है। वो चार्ली सिम्स को डांटते भी हैं कि खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे नहीं छुओगे, मैं तुम्हें छुऊंगा। चार्ली हैरान है क्योंकि फ्रैंक ने बिजनेस क्लास का टिकट कटाया है। फ्लाइट में बैठे दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं। फ्रैंक चार्ली से कहता है कि औरत भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है। मैं औरतों की खुशबू सूंघ कर उनके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। चार्ली को शायद फ्रैंक पागल लगते हैं, मगर चार्ली दंग रह जाता है जब फ्रैंक एयर होस्टेस का नाम एकदम सही बता देते हैं। न्यूयॉर्क में उतर के फ्रैंक चार्ली को एक बहुत ही महंगे 5-स्टार होटल ले जाते हैं, जिसमें एक रूम उन्होंने बुक करके रखा हुआ है। चार्ली कुछ समझ नहीं पा रहा है। चार्ली पूछता है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। फ्रैंक जवाब देते हैं कि मैंने अपने रिटायरमेंट का पैसा लगाया है। फिर फ्रैंक एक लिमोजीन बुलाते हैं और एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में फ्रैंक जैक डैनियल ऑर्डर करते हैं और महंगे महंगे डिश भी ऑर्डर करते हैं। चार्ली फ्रैंक से कहता है कि उसे वीकेंड के बाद बेयर्ड स्कूल हर हाल में पहुंचना है। फ्रैंक पूछते हैं कि इतनी हड़बड़ी क्यों है। चार्ली अपनी सारी मुसीबत फ्रैंक को बता देता है। फ्रैंक चार्ली को सलाह देते हैं कि हैरी का नाम बता दो, इसमें इतना सोचना क्या, ये अमीर बच्चे अपने बाप के साये में छुप कर बच जाएंगे, फंस कर केवल तुम रह जाओगे। चार्ली कुछ फैसला नहीं कर पाता। चार्ली फ्रैंक से पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप चाहते क्या है। फ्रैंक जवाब देते हैं कि मैं अपने प्लेजर के टूर पर निकला हूँ। मैं पहले एक शानदार 5-स्टार होटल में रुकूंगा, फिर बड़े रेस्टोरेंट में खाऊंगा, फिर अपने बड़े भाई WS स्लेट के घर जाकर उससे मिलूंगा, फिर एक बहुत ही खूबसूरत औरत से प्यार बनाऊंगा और फिर अपने आप को मार डालूंगा। चार्ली ये सुनकर हैरान हो जाता है। चार्ली डर जाता है। वो फ्रैंक से पूछता है कि क्या कहा आपने, क्या आप अपने आप को मार डालेंगे। फ्रैंक चार्ली की बात को पलट देते हैं और डिनर करके वापस होटल आ जाते हैं। फ्रैंक लिमोजीन के ड्राइवर को किसी खूबसूरत कॉल गर्ल का इंतज़ाम करवाने को कहते हैं। ड्राइवर कहता है कि वो इंतज़ाम कर देगा। अगले दिन फ्रैंक तैयार होते हैं अपने भाई के घर जाने के लिए। चार्ली फ्रैंक के सामने जॉर्ज को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या करना है। जॉर्ज कहता है कि ट्रास्क को कुछ भी नहीं बताना है। फ्रैंक चार्ली की बात सुन लेते हैं। फिर दोनों फ्रैंक के बड़े भाई WS स्लेट के घर पहुंचते हैं। फ्रैंक को देखकर उनका भतीजा गुस्से में आ जाता है। फ्रैंक को कोई पसंद नहीं करता है। फ्रैंक के बड़े भाई WS स्लेट भी फ्रैंक को देखकर खुश नहीं होते। फ्रैंक चार्ली से कहते हैं कि मेरे बड़े भाई ने ही मेरी देखभाल की है और मुझे हर तकलीफ से बचाया। कैरेन भी, जिसने चार्ली को हाउस सिटिंग का जॉब दिया है, WS स्लेट की ही बेटी है। सभी लोग डिनर करने बैठते हैं। फ्रैंक अपनी बात करते हैं जो किसी को पसंद नहीं आती। फ्रैंक का भतीजा रैंडी चार्ली को चकी कहकर पुकारता है और कहता है कि जानते हो इस खड़ूस की आंखें कैसे गई, ये अपने जूनियर्स के सामने शो ऑफ करने के लिए हैंड ग्रेनेड जगल कर रहा था, एक हैंड ग्रेनेड फट गया और ये अंधा हो गया। रैंडी बहुत ही जलील शब्दों से फ्रैंक को पुकार रहा था। फ्रैंक को बर्दाश्त नहीं होता और वो रैंडी को पकड़ के दीवार पर पटक देते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। फिर फ्रैंक शांत होकर अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मैं हमेशा से बुरा ही था और आज भी बुरा ही हूँ। फ्रैंक और चार्ली फिर वापस होटल लौट आते हैं। रात को चार्ली देखता है कि फ्रैंक एक पिस्टल को लोड कर रहे हैं। चार्ली डर जाता है और फ्रैंक को अपना पिस्टल देने को कहता है।
मगर फ्रैंक पिस्टल देने के लिए तैयार नहीं होते। फ्रैंक कहते हैं कि मैं एक ऑफिसर हूँ, अपना गन कभी नहीं दूंगा। चार्ली फिर जिद करने लगता है कि अगर गन नहीं देना तो बुलेट दे दीजिए। चार्ली के बहुत जिद करने पर फ्रैंक सारा बुलेट चार्ली को दे देते हैं। फिर अगले रोज फ्रैंक चार्ली को एक रेस्टोरेंट ले आते हैं जहाँ फ्रैंक महंगे महंगे डिश ऑर्डर करते हैं। फिर फ्रैंक चार्ली से कहते हैं कि सामने ही कोई खूबसूरत लड़की बैठी है, मैं उसकी खुशबू सूंघ सकता हूँ। चार्ली हैरान हो जाता है क्योंकि सच में सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अकेली बैठी हुई है। फ्रैंक चार्ली के साथ उस लड़की के पास आते हैं और उसके साथ बैठकर थोड़ी देर बात करने की इजाज़त मांगते हैं। वो लड़की फ्रैंक की बात सुनकर अमेज हो जाती है। वो लड़की अपनी बात करती है कि उसे टैंगो बहुत पसंद है पर वो कभी टैंगो सीख नहीं पाई। फ्रैंक कहते हैं कि मैं टैंगो सिखा दूंगा और फ्रैंक उस लड़की का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाते हैं। फ्रैंक और वो खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताते हैं। फ्रैंक इतनी खूबसूरत टैंगो डांस करते हैं कि देखने वाले सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आकर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ थोड़े ही पल सही पर उन दोनों ने साथ में न जाने कितने सालों की खुशियां पा ली थी। फ्रैंक और चार्ली लिमोजीन में होते हैं। चार्ली फिर अपनी स्कूल की प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। फ्रैंक चार्ली को सलाह देते हैं कि हैरी का नाम बता दो, जॉर्ज अपने बाप के साये में छुप जाएगा, तुम अकेले रह जाओगे। फ्रैंक फिर चार्ली से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। चार्ली जवाब देता है कि उसके पिता नहीं है, उसके स्टेप फादर हैं जिनके साथ उसकी बनती नहीं। लिमोजीन का ड्राइवर फ्रैंक के कहने पर एक कॉल गर्ल का इंतज़ाम किया है। फ्रैंक उस कॉल गर्ल के पास जाते हैं। अपने प्लेजर के टूर के आखिरी पड़ाव को फ्रैंक पार कर लेते हैं और वापस लिमोजीन में लौटते हैं। फ्रैंक बहुत ही खुश हैं। अगले रोज़ चार्ली देखता है कि फ्रैंक दोपहर तक सोए हुए हैं। चार्ली फ्रैंक से पूछता है, सब ठीक तो है ना। फ्रैंक कहते हैं कि चार्ली तुम अपने पैसे लेकर चले जाओ, मैं अब मरना चाहता हूँ। चार्ली ये सुनकर डर जाता है। चार्ली फ्रैंक को उठाने की कोशिश करता है। चार्ली कहता है कि चलिए फरारी भी तो चलानी है। फरारी का जिक्र सुनकर फ्रैंक फिर से उठ जाते हैं और दोनों फरारी के शोरूम आते हैं। फ्रैंक किसी तरह शोरूम के डायरेक्टर से फरारी टेस्ट राइड देने के लिए रेडी करवा लेता है। फिर दोनों फरारी कार पर सवार हो जाते हैं। फ्रैंक ड्राइविंग सीट पर बैठकर फरारी चलाने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। चार्ली की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। एक पुलिस वाला उनकी फरारी को रुकवाता है। फ्रैंक बड़े ही चालाकी से पुलिस से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चार्ली का पिता हूँ। पुलिस को खबर भी नहीं चल पाती कि फ्रैंक ब्लाइंड है। फ्रैंक और चार्ली वापस होटल रूम लौटते हैं। फ्रैंक की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। चार्ली घबरा जाता है। फ्रैंक चार्ली से सिगार लाने को कहते हैं। चार्ली सिगार लाने निकलता है पर उसे कुछ महसूस होता है और वो बीच रास्ते वापस लौट आता है। वो देखता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लेट अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में अपने गन के साथ खड़े हैं। चार्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फ्रैंक चार्ली पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना खुद को मारने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। चार्ली निडर होकर खड़ा रहता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, गोली चलाना है तो चलाइए। चार्ली फ्रैंक से कहता है कि आप मरना नहीं चाहते, आप तो बस तकलीफ में हैं। फ्रैंक चार्ली से पूछते हैं कि मेरा जिंदा रहने का कोई तो कारण बताओ। चार्ली कहता है कि आप टैंगो डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं। फ्रैंक चार्ली पर चिल्ला कर कहते हैं कि मैं यहाँ अंधेरे में जी रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब। चार्ली फ्रैंक से कहता है कि अपने साथ मुझे भी मार डालिए। फिर आखिर फ्रैंक चार्ली से हार जाते हैं और गन रख देते हैं। फिर दोनों शांत होकर साथ बैठकर बात करते हैं। फ्रैंक बताते हैं कि उनका बस एक ही सपना है कि जब मैं सो कर जागूं तो मैं किसी खूबसूरत औरत की गोद पर सर रखा हुआ रहूं। फ्रैंक बहुत अकेले थे, शायद पूरी ज़िंदगी वो अकेले ही रहे। आज फ्रैंक ब्लाइंड भी हैं, शायद इसलिए वो खुद को ख़त्म करने जा रहे थे। अब वीकेंड ख़त्म हो चुका है, चार्ली को वापस बेयर्ड स्कूल पहुंचना है। चार्ली की फ़्लाइट मिस हो चुकी है। फ्रैंक और चार्ली लिमोजीन में ही रवाना हो जाते हैं। बेयर्ड स्कूल पहुंचकर चार्ली फ्रैंक से अलविदा लेता है। आज बेयर्ड स्कूल में प्रोफेसर ट्रास्क एक डिसिप्लिनरी कमेटी बुलाए हैं। ये कमेटी जॉर्ज और चार्ली सिम्स पर फैसला लेगी। जॉर्ज अपने पिता के साथ बैठा है और चार्ली अकेला है। कमेटी की प्रोसीडिंग्स होती है। जॉर्ज हैरी का नाम लेता है मगर ये भी कहता है कि उसे श्योर नहीं है क्योंकि उस दिन उसने अपना चश्मा नहीं पहना था।
प्रोसीडिंग्स चल ही रही होती है कि फ्रैंक स्लेड हॉल में आ जाते हैं और चार्ली के बगल में बैठ जाते हैं। प्रोफेसर ट्रास्क फ्रैंक से पूछते हैं कि आप कौन हैं। फ्रैंक जवाब देते हैं कि मैं चार्ली के माता पिता का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और आज चार्ली का गार्जियन बनकर यहाँ बैठा हूँ। कमेटी की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है। चार्ली किसी का भी नाम नहीं लेता। प्रोफेसर ट्रास्क प्रोसीडिंग्स का फैसला सुनाते हैं और चार्ली सिम्स को बेयर्ड स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। मगर ट्रास्क जॉर्ज पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जॉर्ज अपने पिता के साये में बच जाता है। मगर ट्रास्क की बेहूदगी पर फ्रैंक चिल्ला उठते हैं। फ्रैंक ट्रास्क को कहते हैं कि चार्ली का सारा भविष्य खत्म हो जाएगा। चार्ली एक अच्छा लड़का है जो जिम्मेदार है। फ्रैंक जॉर्ज और हैरी को जलील करते हैं और पूरे स्कूल के सामने इस दिखावटी प्रोसीडिंग्स की पोल खोल देते हैं। फ्रैंक की बातें सुनकर स्कूल के सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। अंत में डिसिप्लिनरी कमेटी फैसला बदलती है और चार्ली को एक्सपेल नहीं करती बल्कि जॉर्ज और हैरी पर एक्शन लेती है। आज फ्रैंक एक पिता के समान चार्ली के लिए खड़े हैं। चार्ली और फ्रैंक बाहर निकलते हैं तभी स्कूल की एक टीचर फ्रैंक के पास आती है और फ्रैंक का शुक्रिया अदा करती है। फ्रैंक उस टीचर की फ्रेग्रेंस सूंघकर उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। टीचर भी हंसने लगती है। फ्रैंक उनसे मिलने का वादा करते हैं और चार्ली के साथ निकल पड़ते हैं। चार्ली फ्रैंक को अपने घर छोड़ देता है। फ्रैंक चार्ली को कहते हैं कि घर पर आते रहना। फ्रैंक फिर अपने नाती नतनी से प्यार से बात करते हैं और उनके साथ घर में अंदर चले जाते हैं। चार्ली अपने उज्जवल भविष्य की ओर चल पड़ता है। सेंट ऑफ अ वुमन एक बहुत ही प्रेरणादायी फिल्म। चार्ली सिम्स के जीवन में एक पिता की कमी है, वो पिता जो चार्ली की मुसीबतों में उसके साथ खड़ा रहे। वही फ्रैंक स्लेड एक ऐसे कठोर इंसान है जो बहुत अकेले हैं, शायद लंबे समय से। मगर ये बात तो साफ है कि लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लेड ने आर्मी में कई नौजवानों को ट्रेन किया है। चार्ली सिम्स को रास्ता दिखाने वाले, हिम्मत बंधाने वाले जिस शख्स की ज़रूरत है, फ्रैंक स्लेड वही शख्स है। मगर फ्रैंक स्लेड हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि वो अंधेरे में, जीवन इतना रंगहीन हो गया है उनके लिए कि वो मर जाना चाहते हैं। पर चार्ली सिम्स उन्हें रोक लेता है। सेंट ऑफ अ वुमन हमें बताती है कि जीवन अपार संभावनाओं और संवेदनाओं से भरी है, बस हमें खुद को खोलना होगा जीवन का दिया सब कुछ स्वीकार करने के लिए। जीवन कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।